नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं हूँ एडवोकेट मनजीत, और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे एक सब्सक्राइबर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के। दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो प्रश्न है कि क्या कोई गारंटर जब किसी व्यक्ति के लोन में गारंटी देता है, अगर वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है यानी कि मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन दिया गया है, तो जो भी गारंटर है वह गारंटर कभी अपना नाम वापस ले सकता है, या फिर गारंटर के रूप में उसकी जो भूमिका है उसको वह विड्रॉ कर सकता है या नहीं। देखिए क्या होता है कि जब भी आप अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव या कोई नेबर यानी पड़ोसी को आप उसके लोन में गारंटी देते हैं, तो लोन लेते समय तो वह आपसे बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जब वह लोन का पैसा ले लेता है और वह जब अपना लोन नहीं चुकाता है तो बैंक क्या करती है कि गारंटर को भी नोटिस भेजती है। तो इसमें जो गारंटर होता है वो ये सोचता है कि मैंने तो पैसा लिया ही नहीं है, मैंने तो उस पैसे से कुछ लाभ ही नहीं लिया है, लेकिन फिर भी बैंक मुझे क्यों नोटिस भेज रही है। तो उसके मन में एक सवाल होता है कि क्या वह अपने उस गारंटी को यानी कि जो भी उसने गारंटी दी है उसे वापस ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो आज का यही प्रश्न है, तो आज इसी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को उसके लोन में गारंटी देते हैं तो आप एक गारंटर के रूप में उस बैंक की नज़र में आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप गारंटी लेते हैं कि आप यदि वह आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार अगर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक आपसे पैसा वसूल ले। अब गारंटी कौन दे सकता है? जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो वह गारंटी दे सकता है, जो कि स्वस्थ चित्त माइंड का हो यानी कि जो हेल्दी माइंड का हो, जो निर्णय लेने में सक्षम हो, जो सही और गलत में फर्क समझता हो वह ले सकता है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका जो लोनी है यानी ऋणी है, जो डेप्टर है जिसकी आपने गारंटी दी है, यदि वह अपने लोन का पैसा नहीं चुकाता है तो बैंक गारंटर को पकड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या हम उस लोन की गारंटी में से अपना नाम वापस ले सकते हैं या नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वह गारंटर परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब नोटिस उसके पास आती है तो उसके घर वाले उसे कहते हैं कि आपने गारंटी क्यों दी। अब आपका सारा काम धाम डिस्टर्ब हो जाता है, बैंक वाले आपको फ़ोन करते हैं, रिकवरी वाले आपको फ़ोन करते हैं, कलेक्शन वाले आपको फ़ोन करते हैं, आपसे उठपटांग सवाल पूछते हैं, आपको परेशान करते हैं, जिससे कि आपका जो डेली लाइफ है वह डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप सोचते हैं कि हम उस लोन गारंटी में से अपना नाम वापस ले लें। तो देखिए, इसके लिए क्या आप लोन गारंटी में से अपना नाम ले सकते हैं वापस कि नहीं? तो देखिए, सरफेसी एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप अपने किसी भी लोनी के गारंटर के रूप में हैं तो अपना नाम वापस ले सकते हैं। लेकिन इससे बचने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास बैंक की तरफ से नोटिस आ रही है, आप गारंटर हैं और प्रिंसिपल बोरोवर आपके बगल में है, यानी कि वह एग्जिस्ट करता है, वह कहीं भागा नहीं है, कहीं दूर नहीं गया है, तो ऐसे कंडीशन यदि बैंक आपको नोटिस भेजती है तो सबसे पहले आप बैंक को एक लेटर लिख करके देंगे कि सबसे पहले आप तो प्रिंसिपल बोरोवर को नोटिस भेज करके अपने पैसे की रिकवरी करिए, उसने जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है उसे बेच करके आप अपना पैसा ले लीजिए। यदि प्रिंसिपल बोरोवर को आप नोटिस नहीं भेजते हैं और आप गलत तरीके से और रॉन्गफुल माइंड से या इंटेंशन से यानी बैड इंटेंशन से आप हमें परेशान या फिर हरास करने के लिए ऐसी नोटिस भेजते हैं तो हम आपके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में कार्रवाई कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि प्रिंसिपल बोरोवर के मौजूद रहते हुए भी बैंक गारंटर को नोटिस भेजता है रिकवरी के लिए, तो गारंटर सीधे सीधे कंज्यूमर फोरम में जा करके बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है और बैंक से कंपनसेशन भी ले सकता है। बैंक का यह उत्तरदायित्व तो नहीं है
कि प्रिंसिपल बॉरोअर के रहते हुए वह गारंटर से रिकवरी करे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने लिए बचाव कर सकते हैं और बैंक को नोटिस भिजवा सकते हैं। दोस्तों यदि आपने भी किसी बैंक से लोन लिया है और बैंक आपको परेशान कर रहे हैं लीगल नोटिस भेज करके, कलेक्शन मैनेजर आपको फ़ोन करके परेशान कर रहा है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ घर बैठे ही आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ये कमेंट करके बता दीजिएगा। अपनी राय जो भी होगा इस वीडियो के बारे में वो हमें आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।